बहुत धन्यवाद। आइए हम भारत की चंद अहम कौमी पार्टियों के ताल्लुक से मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस पार्टी का कयाम 1885 में हुआ। इसका इंतखाबी निशान हाथ का पंजा है। आजादी के बाद काफी अरसे तक ये पार्टी एक बासर पार्टी रही। कमजोर तबका, अकलियती तबकों के लिए मसावी हकूक, मजहबी गैर जानबदारी, जमहूरियत पर भरोसा वगैरह इस पार्टी की अहम पॉलिसियां हैं। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। इस पार्टी का कयाम 1980 में हुआ। इसका इंतखाबी निशान कंवल का फूल है। 1951 में कायम होने वाली जनसंघ 1977 में जनता पार्टी में जम हो गई। 1980 में जनता पार्टी के टूटने पर भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद डाली गई। कदीम भारतीय तहजीब की रिवायत का तहफ्फुज इसकी अहम पॉलिसी है। नंबर तीन, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP। इस पार्टी का कयाम 1999 में हुआ, जिसका इंतखाबी निशान घड़ी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से निकलकर एक गिरोह ने यह पार्टी कायम की है। जमहूरियत, मसावात, मजहबी गैर जानबदारी पर भरोसा इस पार्टी की अहम पॉलिसियों में शामिल है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन क्रिमिनल कांग्रेस वगैरह भारत की अहम कौमी पार्टियों में शामिल हैं।